हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारियां नूं, राम राम सारियां नूं। की हाल है सारियां दा? आ जिहड़ी वीडियो हैल्थ केयर ते होण वाली आ, जिहड़ा केयर होम दे वीजे लगदे हैल्थ केयर दे, मेरे ख्याल नाल पिछले 2-2.5 सालां दे विच फस्ट वीडियो मैं बना रहा हैल्थ केयर ते, क्योंकि पिछे मैं कभी भी हैल्थ केयर वीजे ते केयर होम जिहड़ा वीजा आ इहदे पर कभी भी वीडियो नहीं बनाई, ना मैं कभी किसी नूं कहूं, क्योंकि मैनूं पता सीगा कि उह जिहड़े वीजे दे रहे इत्थे दी गौरमेंट वो सिर्फ अपने पैसा इकट्ठा करने वास्ते, तो हुण इन्नी डिपेंडेंट बंद करता क्योंकि इन्हां दियां जरूरतां खत्म हो गई आ, तो जिन्ना पैसा इकट्ठा करना स्टूडेंट तो कर लिया आ, हुण जरूरतां खत्म हो गई, डिपेंडेंट बंद करते आ, और जिन्ना भी डिपेंडेंट आया आ, जिन्ना भी हैल्थ केयर के विच डिपेंडेंट आया आ, 99% डिपेंडेंट का अगे वीजा नहीं बदना हुण, जदों उन्हां को 2 साल का वीजा 3 साल का वीजा, जदों डिपेंडेंट का वीजा खत्म हो गया तो उस बाद कहानी खत्म। ठीक है जी, मेन कैंडीडेट का बच सकता नहीं बच सकता, कुछ कह नहीं सकते, पर डिपेंडेंट का नहीं बदना, तो यही हाल स्टूडेंट डिपेंडेंट का भी होना आ। तो पर हुण मैं जिहड़ी वीडियो लैके आ रहा हाँ, बहुत मैसेज आए थे कि 2024 के विच की असी डिपेंडेंट नाल लिया सकते, फैमिली नाल लैके आ सकते हैं। देखो, इनू 100% कुछ भी कहना बहुत मुश्किल आ, क्योंकि आह ही 5 जनवरी एक फैमिली आई आ, उन्हां दा वीजा लग गया आ, पर मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि तुसी फैमिली लैके आवो। देखो, हर एक दी ख्वाहिश हर एक दा दिल दी हुंदी आ कि असी बाहर जाइए, बच्चे बाहर जाणगे, छोटे छोटे बच्चे आ, असी फैमिली बाहर जावांगे, साडी जिंदगी बन जानी आ, साडा भविख वधिया हो जाणा आ, पर इत्थे आ के जो स्ट्रगल करनी पैंदी आ बच्चियां नूं, बच्चियां दे नाल, ठीक आ, ते कईआं नूं तां कमरे नहीं मिलते, कल्ला बंदा तां कितें भी सौं सकदा, कितें भी गुजारा कर लूगा, पर नाल हसबैंड बच्चे छोटे छोटे, तां फिर बहुत ही ज़्यादा औखा हुंदा, तुसीं समझ सकदे आ। हुण की आ कि जे 2024 तुसीं सिंगल आउंदे आ, फैमिली नाल नहीं लैके आउंदे, तो तुहानूं 5 साल बाद PR सौखी हो जानी है। हुण फिर PR हो के तुसीं अपनी फैमिली मंगा सकते हैं, जे हजे भी तुसीं किस तरह तुहाडा डिपेंडेंट लग भी जाता आ, अब्बल तो बहुत घट चांस आ जे लग भी जाता आ, पर फिर तुहाडा जिहड़ा PR भी औखी होनी आ, 5 साल बाद फिर 2 साल का वीजा, 2.5 साल का वीजा, फिर 2.5 साल का वीजा, फिर अगे जा के वो काम बहुत लंबा चल जाता आ। पर जे तुसीं सिंगल आउंदे आ हुण 2024 दे विच, फिर तुहानूं 5 साल बाद PR सौखी हो जाती, फिर फैमिली मंगाउण च फायदा हैगा आ। ठीक है जी, हुण देखो लीड ब्रेड फॉर मैं ज़्यादा गया आ, बाकी शहरां च बहुत घट गया आ, उत्थे कंडीशन देखी अपने अखां दे नाल, ठीक है, उत्थे फैमिलियां आ तां गईआं हैल्थ केयर ते, हुण बहुत जणिआं नूं घर ही है नहीं रहिण वास्ते, जे किसी कोल घर हैगा आ ते काम है नहीं गया, फिर पिछों पैसे मंगा के वो घर दे रेंट, खाण पीन दा, बिजली दे, गैस दे, वो सारा कुछ औखे होके कटदे आ, इह च कोई झूठ नहीं, सारिआं नूं पता आ। ठीक है, कोई गल इनकार कर दे नहीं नहीं तुसीं तां बाहर बैठ के झूठ बोलदे आ, हकीकत आ इह, ठीक है, इगनोर करन नूं तुसीं जो मर्जी कर सकदे, पर हकीकत आ। इस करके पहला खुद आ के सैटल होवो, फैमिली बाद च मंगावो, वधिया यही आ। ठीक है, इन्हां नूं देखो बाहरले देश हमेशा तुहाडा कदी नहीं सोचते, अपने सोचते आ, इन्हां नूं पैसा चाहिदा सी, इन्हें कंट्री नूं स्टैंड करना सीगा, करंस इन्हां दी इकोनमी डाउन हुई सी, इन्हें वो स्टैंड कर लिया आ। ठीक है, इन्हें तुहाडा फायदा नहीं देखिया, तुहाडी फैमिली नूं वीजा देता ही नहीं, अपने फायदा देखिया कि असी स्टैंड करना, इन्हों पता साडी कंट्री च काम है नहीं गे, ये ज़्यादा पिछों होर पैसे मंगा के खाणगे, इन्हां दी पॉलिसी देखो, ज़्यादा तुसीं इंडिया तो होर पैसे मंगा के इत्थे रेंट दोगे, फीसां दोगे, अपने खाण पीन का खर्चा कढूंगे, तो जां फिर तुसीं वापसी आओगे, तुहाडे कोल चारा ही है नहीं अगर कोई भी, है ना, तो इस करके जदों जरूरत खत्म हो गई नहीं सब को बंद करता। हुण की आ कि हुण तुसीं जे सिंगल आउंदे आ, तुहाडी 5 साल बाद PR बहुत सौखी हो जानी आ, फिर फैमिली मंगा लो। हुण कहना नहीं चाहिए, बहुत लोग इदा अपने बच्चों नूं लैके पार्कों च बहिंदे आ, साई साई दिहाड़ी गुरुद्वारे बैठे रहिंदे आ, जां कदी किते चल गए पार्क च, कदी किते घूमन चल गए, बस इदा टाइम पास करदे आ, क्योंकि काम है नहीं गे,
ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਘਰ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵੋ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਆਵੋ, ਖੁਦ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਵੋ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਵੋ, ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੱਦੋ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਸਿੰਗਲ 2024 'ਚ ਉਹ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ PR ਸੌਖੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਿੰਗਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ।